गांधी की मृत्यु का देश में सांप्रदायिक स्थिति पर जादुई प्रभाव पड़ा। गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता की खोज ने हिंदू चरमपंथियों को उकसाया और आरएसएस जैसे संगठन पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। ये सभी अब बीते जमाने के इतिहास की बातें होने वाली हैं। युवा पीढ़ी को ये सभी बातें अब स्कूली किताबों में पढ़ने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि इनसे जुड़े पाठ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 से आगे के लिए प्रस्तावित कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से गायब हैं। एनसीईआरटी ने पिछले साल अपने सिलेबस रेशनलाइजेशन अभ्यास के हिस्से के रूप में ओवरलैपिंग और अप्रासंगिक कारणों का हवाला देते हुए पाठ्यक्रम से कुछ हिस्सों को हटा दिया था, जिसमें गुजरात दंगों, मुगल अदालतों, आपातकाल, शीत युद्ध, नक्सली आंदोलन पर सबक आदि शामिल थे। इसकी नई पाठ्य पुस्तकों में महात्मा गांधी से जुड़ी कई अहम घटनाएं और प्रसंगों का भी कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि एनसीईआरटी का दावा है कि इस साल पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं की गई है और पिछले साल जून में पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाया गया था। एनसीईआरटी के निर्देशक दिनेश सकलानी ने यह कहा है कि पूरी युक्तिकरण कवायद पिछले साल की गई थी, इस साल कुछ भी नया नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने गायब अंशों पर कोई भी टिप्पणी नहीं की जो युक्तिकरण के समय अप्रासंगिक बताए गए थे। एनसीईआरटी ने अपनी वेबसाइट पर एक नोट में लिखा है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए छात्रों पर सामग्री के बोझ को कम करना अनिवार्य महसूस किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 भी सामग्री के भार को कम करने और अनुभवात्मक रचनात्मक मानसिकता के साथ में सीखने के अवसर प्रदान करने पर जोर देती है। इस पृष्ठभूमि में एनसीईआरटी के सभी कक्षाओं और सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकों को युक्ति संगत बनाने की कवायद शुरू की थी। शिक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के अनुसार नए पाठ्यक्रम की रूपरेखा पर अभी भी काम किया जा रहा है और अद्यतन पाठ्यक्रम के अनुसार नई पाठ्य पुस्तकों को केवल 2024 शैक्षणिक सत्र से पेश किया जाएगा। वर्तमान संस्करण परिवर्तनों के बाद अब एक सुधारित संस्करण है। वर्तमान पाठ्य पुस्तकें तर्कसंगत पाठ्य पुस्तकें हैं। इन्हें सत्र 2022-23 के लिए बदला गया था और 2023-24 में जारी रहेगा। तब कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पाठ्यक्रम के बोझ और परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें छात्रों के लिए आसानी से सुलभ विषय और बच्चों द्वारा स्वशिक्षण का या सहकर्मी शिक्षा और सामग्री के माध्यम से सीखा जा सकता है। वहीं शिक्षकों के अधिक दखल और वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक पाठ्य सामग्री को भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के छात्र अब कक्षा 10वीं, 11वीं, 12वीं में इतिहास की नई पुस्तकें पढ़ सकेंगे। इन छात्रों को इतिहास की पुस्तकों में अब मुगल साम्राज्य, दिल्ली दरबार, अकबरनामा, बादशाहनामा और कई राजनीतिक दलों के उदय की कहानियां पढ़ने को नहीं मिलेंगी। हालांकि पाठ्यक्रम से मुगल दरबार और अन्य अध्यायों को हटाने पर विवाद भी खड़ा हो गया है। कांग्रेस, CPM, शिवसेना यानी उद्धव गुट समेत कई पार्टियों ने इस कदम का विरोध जताया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।